ओके वेलकम एवरीवन बच्चों, हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस पढ़ा था, सेकंड में हमने डिटरमिनेंट पढ़ा था टिल एडजॉइंट तक, ठीक है जी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारे पास है लॉजिकली, देखिए एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट पढ़ चुके हैं, माइनस कोफैक्टर्स पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, यानी कि आज जो हमारा मेनली फोकस है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर है, जो अगर आप सोचोगे तो आपका बोर्ड लेवल से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक टॉपिक है, बाकी सब वो चीजें जो आपने नहीं देखी है स्कूल लेवल पे, राइट। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे वो बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस नहीं कर रही हूँ जो आप लोगों ने करा था। आप लोगों ने करा होगा ना, ax बराबर है b के, तो x जो है वो a इनवर्स b होता है, फिर जो a इनवर्स है वो आपने पढ़ा एडजॉइंट ऑफ a अपॉन a डिटरमिनेंट इनटू b होता है, राइट बच्चों। ये दिस वाज द थिंग जो आप लोगों ने स्कूल लेवल पे आप लोग करते हो, लेकिन ये अगर इनवर्स निकालने बैठ जाऊंगी तो मेरा जेई का 4 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा, एग्री। यस मैम तो मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ होली सोली क्रैमर्स रूल की। ये आपकी बुक्स में है, अगर आपने कोई रेफरेंस बुक फॉलो करी होगी, लेकिन आपको स्कूल लेवल पे स्किप करा दिया होगा कि बच्चे दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक। अब आपको पता है कि जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस की बात होती है, इसका मतलब जो मेरा बी मैट्रिक्स है, यानी कि जो मेरी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ax by plus cz इज इक्वल्स टू, यहाँ पे किसी कांस्टेंट की बजाय सारे जीरोस होंगे, राइट। उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। अगर जीरोस की बजाय कोई कांस्टेंट हो गए, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। यस बच्चे अब जब आप यहाँ पे बात करते हो, आपको पता है कि सबसे पहले जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो आपका मैट्रिक्स है, कॉफिशियंट मैट्रिक्स है, सबको मेरी बात समझ आ रही है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जो कॉफिशियंट मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो आप दो चीजों पे जाओगे, या तो मेरे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ठीक। मैम अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है इस केस में, या फिर नॉन होमोजीनियस के केस में, तो आप बोलते हो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अगर बच्चे उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो नॉन होमोजीनियस के केस में एक्स वाई जेड की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, लेकिन होमोजीनियस के केस में आपको पता है कि भाई जीरो के बराबर है, तो एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो आएंगे। जब तीनों वैल्यू जीरो आती है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं बच्चे, ट्राइवल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ट्राइवल बिल्कुल सोल्यूशन। और ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, यानी कि इनफाइनाइट के केस में आपके सॉल्यूशन ट्राइवल भी आ सकते हैं, नॉन ट्राइवल भी आ सकते हैं, क्लियर। यस मैम ओके तो अब हम आगे बात करते हैं कि भाई कब क्या होगा। अब क्रैमर रूल कैसे लगाते हैं, सबसे आसान रूल है। आप लोगों को लगेगा मैम इतना आसान होता है, बस इतनी चीज आप ध्यान में रखिए कि आपको डी कैलकुलेट करना था। अगर डी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा ही होगा, एग्री। यस मैम सॉल्यूशन होगा ही होगा। अगर डी इक्वल्स टू जीरो है, इसका मतलब मेरा नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्रैमर रूल वर्क कैसे करता है, आप लोग क्या करते हो, आपके पास मान लो मैं दो वेरिएबल का लेती हूँ कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू सी वन है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल्स टू सी टू है, ठीक है टीना। तो मुस्कान सबसे पहले डी निकालते हैं, डी होता है कॉफिशियंट मैट्रिक्स, यानी कि ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक है बच्चों। यस मैम फिर हम डी वन निकालेंगे, पहले कॉलम को चेंज कर दो कॉन्स्टेंट से सी वन सी टू से, तो ये डी वन बन जाएगा, और दूसरे कॉलम को चेंज कर दो तो डी टू बन जाएगा, क्लियर बच्चों। ए वन ए टू सी वन सी टू, अगर 3 बाय 3 का लेते हैं तो तीनों को चेंज करते तो 3 मैट्रिक्स बनते, तो जो एक्स है वो डी वन बाय डी के बराबर है, वाई है डी टू बाय डी के बराबर है, अगर जेड की बात होती तो डी थ्री बाय डी होता जिया जी। यस मैम तो सोचो अगर मेरा ये सी वाला जीरो है, जाने कि पूरा का पूरा कॉलम हमेशा ही जीरो आएगा होमोजीनियस के केस में, तो आपको पता चल गया कि डी जीरो नहीं है, डी वन डी टू डी थ्री जीरो है। तो बच्चे डी वन डी टू डी थ्री जीरो होने का मतलब जीरो बाय एनीथिंग जीरो,
तो एक्स वाई जेड जीरो आएंगे, अगर एक्स वाई जेड जीरो आएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ट्राइबल सोल्यूशन बनेगा। यस मैम। और अगर डी वन डी टू डी थ्री भी जीरो, कोई एक भी इनमें से जीरो नहीं आया, मान लो एक भी जीरो नहीं बना, तो उस केस में आप बोलोगे कि वो यूनिक सोल्यूशन है, वो ट्राइबल नहीं है, नॉन ट्राइबल है। यस मैम। और मान लो कि आपके पास डी भी जीरो आ गया, डी वन डी टू डी थ्री भी, इसका मतलब जीरो बाय जीरो, आपको पता है कि जीरो बाय जीरो के फॉर्म में मेरे पास क्या बनता है, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, या फिर हो सकता है किसी केस में आपके कॉन्स्टेंट्स की रेशियो भी बराबर आ जाए, तो उस केस में आप बोलोगे कि भाई अगर कॉन्स्टेंट की रेशियो बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर कॉन्स्टेंट्स बराबर नहीं दे रहा तो वो पैरेलल लाइंस है, और जहां लाइंस पैरेलल दिख जाती है वो नो सॉल्यूशन का केस होता है। सही है। यस मैम। D1, D2, D3 कोई एक जीरो नहीं है और जीरो बाय आपका बन रहा है, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जाने की वो नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा बच्चों। यस मैम। क्या ये मोटी मोटी सी थ्योरी समझ आ गई? यस मैम। इसको इंप्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छे से। आप ये देखो कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, सोच के देखो, दिमाग चलाओ कि भाई 24 पेपर में 14 क्वेश्चन, मतलब 47 में से 14 क्वेश्चन तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आए थे, और हर साल इतनी रेशियो बन रही है, देखो। और अभी आप लोगों के दिमाग में एक चीज होगा कि मैम ये क्वेश्चन तो बहुत लेंथी होते हैं, ऐसा लग रहा है ना? Yes, ma'am. बट यहाँ पे नहीं होंगे। अब देखो कैसे, सबसे पहले मुझे कौन बताएगा ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? ये 100% पार्टिसिपेट करो, एक घंटा मुझे दे दो, उसके बाद कहाँ मर्जी जाना। क्या कहते हो, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस? मैम नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस है। अब मुझे पूछे कि इसका यूनिक है नो है, तो सबसे पहले यूनिक है या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा टीना, मुझे क्या चेक करना होगा? डी वन डी टू डी पहले डी कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, और यहाँ पे भी एक दिमाग चलाओ यार, क्या कि इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 रोज बिल्कुल सेम बन रही है। yes, ma'am. तो अगर 2 रोज या 2 कॉलम सेम है तो डी जीरो हो गया। यस मैम। अब डी वन कैलकुलेट करते हैं, भाई डी जीरो हो गया, डी जीरो होने का मतलब है मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन की तो बात है ही नहीं। यस मैम। इसका मतलब मुझे इन दोनों के बारे में किसी एक के बारे में सोचना होगा, तो मुझे डी वन कैलकुलेट करना है, जाने की पहला कॉलम चेंज करा, 6 12 22 2 4 6 3 6 9, अभी भी स्टिल अगर मैं पहले में से 2 कॉमन ले लूं और दूसरे में से भी 2 कॉमन ले लूं तो क्या रेशियोज बराबर आ रही हैं? इसमें से 2 कॉमन ले लूं, इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो रेशियो बराबर आ रही है? यस मैम। तो ये भी जीरो। अब चल डी टू की बात करते हैं, फटाफट आ जाओ फटाफट फटाफट कि भाई मेरे पास 1 2 3 है, 6 12 22 है, और फटाफट मुस्कान 3 6 9 है, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो फर्स्ट और थर्ड रो कॉमन आ रही है, सेम आ रही है? यस मैम। तो ये भी जीरो हो गया। अब बात किसकी करूं, अब बात डी थ्री की करूं, मेरे को तीनों के बारे में सोचना होगा ना, तो भाई 1 2 3 2 4 6 और मेरे पास बन गया 6 12 22, अब इसमें भी क्या हुआ, पहली और दूसरी कॉ सेम आ रही है, प्रोपोर्शनेट है कॉलम। यस मैम। तो ये भी जीरो है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, आपका डी भी जीरो है, डी वन डी टू डी थ्री भी जीरो है, जाने कि आपको क्या लग रहा कि भाई मेरे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन रहे, यही लग रहा है? यस मैम। बट प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने आपको बोला ना एक्सेप्शनल केस, ये वही एक्सेप्शनल केस है। आप ये देखो कि पहली और दूसरी में तो ठीक है मैं प्रोपोर्शनेट हूं, लेकिन सेकेंड और थर्ड में देखो मेरे कॉन्स्टेंट्स की रेशियो नहीं आ रही बराबर। थर्ड में कॉन्स्टेंट्स की रेशियो बराबर नहीं आ रही, अगर वो कॉन्स्टेंट्स की रेशियो बराबर नहीं है इसका मतलब वो
इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन। तो समझ आया क्वेश्चन कैसे सोचना है, क्या थॉट रखना है, सबको समझ आया? यस मैम। यस। क्या अब ऐसे जेई में करने से टाइम लगेगा अगर इस मेथड से चलेंगे? नो मैम, क्योंकि माना कि प्रॉपर्टीज मेरे सिलेबस से डिलीट हो गई है, बट भाई मेरे लिए तो एडवांटेज है ना, मेरे को पता है कि दो कॉन्स्ट अगर रोज बराबर है, प्रोपोर्शनेट है, कॉलम बराबर है, तो वो जीरो होगा, मेरे को ये प्रॉपर्टी इतनी काम आएगी। अब देखना चले आगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो सेकंड, ये 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सिस्टम है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? जो मेरा डी है वो जीरो होगा, राइट? तो डी को जीरो कर दो, यानी कि एक एक ए, दो पांच दो, दो एक दो तीन, इसको जीरो करके ए कैलकुलेट कर लोगे। यस मैम। फिर क्वेश्चन ने बोला कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। बच्चे मेरे को पता है कि जेई ने क्वेश्चन पूछा है, इनफाइनाइट मैनी बोल रहा है, और मुझे भी पता था कि अगर इनफाइनाइट मैनी, हाँ, सारे के सारे जीरो होने चाहिए थे। अगर सारे के सारे जीरो है तो बस आपको क्या करना है, दिमाग चलाना है कि ए वाले कॉलम को रिप्लेस कर देती हूँ, यानी कि 1 2 1 रहेगा, 1 5 2 रहेगा, बस इसको बी 6 3 कर दूंगी और जीरो कर दूंगी, यहाँ से बी भी कैलकुलेट हो जाएगा। यस मैम। मुझे किसी ने मेडल नहीं देना सारे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने से, ठीक है टीना? Yes, मैंने ए कैलकुलेट करा, मैंने बी करा, यहाँ पुट करा, आंसर आ गया। बताओ 2023 का क्वेश्चन था, अगर मेरे को डिटरमिनेंट भी सॉल्व करना आता तो फटाफट हो जाएगा ना। Yes, अब लग रहा है ना मैम इतना मुश्किल नहीं है, है ना दीपिका? कॉन्फिडेंस आ गया। Yes, अब सोचो 2022 का सोचो। देखो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी ना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके बेस्ड, क्योंकि जब आपको पता है कि मैम आ गई है तो मतलब कुछ ना कुछ तो करा के जाएगी, टेंशन खत्म करके जाएगी। अब देख क्या निकालना है बच्चों, लैम्डा निकालना है। सच दैट ये तीनों इक्वेशंस के पास नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? डी तो जीरो होगा ही होगा। यस मैम। यस मैम। तो डी जीरो कर लो फटाफट। डी बस डी ही है, नो मेरे पास तो क्वेश्चन ही सॉर्टेड है, यानी कि 2 - 3 - 5, 1 - 3 - 1 और 3 - 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ लैम्डा, इसको जीरो कर लो और लैम्डा कैलकुलेट कर लो। अब मेरे से पूछे रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, बट जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास लैम्डा जो जीरो करोगे तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है? कितनी वैल्यूज आ जाएंगी लैम्डा की? दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप उसमें से बोलोगे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पे जो मेरा सिस्टम है वो नो सॉल्यूशन देगा। जब आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी फिर मेरे को चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू पुट करो। क्लियर? यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। सबके लिए क्लियर है? यस मैम। जब आपने दो वैल्यूज निकाली, लैम्डा को सॉल्व करा, दो वैल्यूज आ गई, तो आप बोल दोगे कि दोनों के दोनों नो सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? पुट कर दे आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 2023, आ जाओ जिया, आ जा मुस्कान, टीना, आंचल, अंकिता, सब हो ना यहाँ पे? सकीना, सीमा, सानिया, सानिया, नमस्कार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस डिनोट ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट इट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब भाई डी भी जीरो होगा, फिर मैं डी जीरो करने का मतलब है लैम्डा 1 1 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा, इसको जीरो कर लो। क्या यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा बच्चा पार्टी? यस मैम। ठीक है, और देखो ना जब आपके पास लैम्डा कैलकुलेट होगा, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई 1। भाई अगर मेरे पास D1 D2 D3, मानो ना अगर तीनों ही जीरो हो जाते हैं तो वो तो 0/0 का केस बनेगा, जाने की इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बन जाएंगे। यस मैम।
इसका मतलब अगर मैं लैम्डा वन पुट करती हूँ तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि लैम्डा वन पुट करने से मेरे उधर भी सारे वन है तो सारे डी जीरो आएंगे। तो लैम्डा वन तो इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मुझे इनफाइनाइट दे रहा है, इनकंसिस्टेंट नहीं दे रहा। तो भाई इनकंसिस्टेंट कब देगा? लैम्डा -2 पे देगा। यस और जैसे ही लैम्डा -2 आया आपने बोला -2 का स्क्वायर 4 + 2, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 6। यस मैम अब ये बताओ कितने लोगों को 99.9% पता चला कि जेई जो इनसे से क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे को ये नहीं बोलेगा कि बैठ के बेटा ए इनवर्स बी निकाल ले। समझ आई बात? वो मेरे से एक्स वाई जेड नहीं पूछेगा। क्लियर है ना? यस मैम सबको क्लियर है? यस मैम वो मेरे से यही देखेगा कि भाई बच्चे का दिमाग कितना तेज है, बच्चे को कितनी जल्दी स्ट्राइक कर रहा है कि मैंने ये पूछा है कि उसने लगाना क्या है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन। बस मुझे तो इन्हीं चीजों पे फोकस करना है ना। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है डी जीरो। नो सॉल्यूशन का मतलब है डी जीरो। जीरो यस मैम डी जीरो कर दिया तो 3 - 2 = 1, 5 - 8 = 9, और ए2 = 0 कर दिया तो ए निकल जाएगा। यस मैम अरे इतना मोटा मोटा हिसाब तो मैंने भी लगा लिया कि भाई अगर डी जीरो है तो तीसरे वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दूं, D3 निकाल लूं। सही है ना? यस मैम बस वो यही तो चाहता है मेरे से। मैंने ए निकाला, तीसरे को रिप्लेस करा और इसको भी जीरो कर दिया तो बी भी निकल गया। क्लियर? हाँ जी, धन्यवाद सबकी। यस मैम 2023 कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2023 जी 2023। और कितने लोग ये सर क्वेश्चन, तन्वी, सीमा, सानिया, साक्षी, कितने लोग ये क्वेश्चन देख के बोलेंगे मैम हम छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल है। कई बच्चे तो क्वेश्चन की शक्ल देख के छोड़ देते हैं। कितने लोग बोलेंगे मैम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे मैम, 10-2 तो कहीं सॉल्व होगा हमसे, है ना? नहीं मैम, इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है? जाने कि 0 0 0 के बिना कोई और सोल्यूशन होगा? यस मैम ओके, तो नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डी तो 0 ही होगा, यस मैम है ना अंचल? ठीक ना, डी 0 होगा तो भाई डी 0 कर लो। कर लोगे? यस मैम डी 0 करने से थीटा की वैल्यूज निकल जाएंगी, यस मैम बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आसान चक्कर था? लग रही थी मैम इसकी। हाँ, तो मैंने बोला ना कि देख के तो ऐसे ही लगा पता नहीं करना क्या है, लेकिन ये भी तो सोचे ना उन्होंने क्या दिमाग लगाया, आपको होमोजीनियस दे दिया, दूसरी तरफ तो 0 है यानी कि उसका तो रोल ही नहीं है। यस मैम बिल्कुल बड़े आ गए मैम तो ये सारे, इतने सारे क्वेश्चन हमने करे, मेरे को लग रहा है 7-8 क्वेश्चन थे जो सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे करे। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाओ देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर यस मैम हो जाएंगे अब इसके बेस पे क्वेश्चन। हाँ जी मैम अब देखो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या आप लोगों ने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ी थी? क्या आप लोगों ने जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ा था तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैम पढ़ी? पढ़ा था यस मैम सबने पढ़ी थी। बच्चे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता क्या है? ये सब मतलब कोई नई चीजें नहीं है, मैं सही में बताऊं ये वही है कि जेई में आपको शॉर्टकट तरीके हैं करने के। अगर ये नहीं भी कराऊंगी स्कूल का पेपर हो जाएगा, कोई नया टॉपिक नहीं है। ये ट्रिक है जो आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों को एक मैट्रिसेस में क्वेश्चंस बनते हैं, ए दिया होता है, एक इक्वेशन को प्रूफ करना होता है ना?
और जब वो इक्वेशन को प्रूव करना होता है, ए क्यूब ए स्क्वायर ऐसी वाली इक्वेशन होती है, नल मैट्रिक्स के बराबर प्रूव करना होता है, हमारी हवा टाइट हो जाती है उसमें, हो जाती है ना टीना, ए क्यूब निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, है ना। यस मैम, ये अब जेई में तो नहीं करने बैठेंगे, मेरे पास तो शीट ही गिनती की होंगी, वहां पे फोर शीट ही गिनती की देंगे। यस मैम, और मेरी स्पीड इतनी तेज तो है नहीं कि मैं अल्लाह दिन का चिराग लेके फटाफट लिखूंगी, तो वहां पे ये चीजें काम आती है। ठीक है, अब देखो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है कि आप अपने मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर कर लीजिए, उससे जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी उसको आप बोलते हो कि वो मेरी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, और अगली बात, हर मैट्रिक्स इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको अपन बोलते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, जाने कि अब टीना जी अगर मेरे से प्रश्न पूछा जाता कि इसके लिए आप देखो कौन सा वैलिड है, तो क्या मेरी हवा टाइट हो जाती इतने एक्सप्रेशन को प्रूफ करते करते, मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगी, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको ए माइनस लैमडा आई डिटर्मिनेंट जीरो कर लेना है और सोल्व करना है। कर लोगे, डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। Yes, ma'am. और मैंने जैसे ही डिटर्मिनेंट निकाला मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और आपने बोला कि केले हैमिल्टन के थ्रू हर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करता है, तो लैम्डा को ए से रिप्लेस करा, आपके पास बन गई ए क्यूब माइनस 20 ए माइनस 8i। अब मुझे कुछ नहीं सॉल्व करना था, ए क्यूब माइनस 20 ए प्लस 8i, जाने के ऑप्शन ए सही आंसर आ गया। बताओ बात क्लियर है कि कब करैक्टरिस्टिक, क्योंकि लॉजिकली मुझे थॉट ये आना चाहिए मुझे यूज कब करना है जिया, राइट मुस्कान, ठीक है। यस मैम, क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं कितने मर्जी राशि फॉर्मूले कर लूं, पर यही नहीं पता कहाँ पे क्या लगाना है तो क्या ही करूंगी। ये देखो 2022 का क्वेश्चन आया था, इसको सॉल्व करना था, क्या करूं, क्या कहते हो, क्या क्या थॉट लेके आऊं? वही मैम जो सभी में करते हैं, ए माइनस लैम्डा। हाँ ठीक है, शुक्र है भाई, ए माइनस लैम्डा ही कर लो। देखो आपको दूसरा मेथड तो आता ही है बेसिक, कि ए पुट करके लैम्डा गामा निकाल लोगे, पर मुझे नहीं करना ना वो। आप क्या करोगे, ए माइनस लैम्डा आई से इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लो, बना लोगे। यस मैम, और जैसे ही आपने बनाई तो आपके पास फाइनल ये बना कि ए स्क्वायर 4 प्लस बीटा ए इसके बराबर है। अब मैं अपने क्वेश्चन में देखूंगी कि भाई मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो कहाँ पे दे रहा है, ए डिटर्मिनेंट। अब इसमें से ए डिटर्मिनेंट देखो कितना आ रहा है, 4 बीटा प्लस 2 अल्फा आ रहा है। यस यस फ्रेंड्स, और मैं इसमें देख लूंगी 4 बीटा प्लस 2 अल्फा क्या है, आई का कोफिशिएंट, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट कितना, 18, तो सीधा सीधा 18 आंसर आ गया। यस मैम, आसान। यस तो ये था आपका केले हैमिल्टन करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का कमाल। बढ़ूं आगे? यस मैम, यस मैम, अब तो कॉन्फिडेंट हो गए। अब देखो क्या करना है, जब भी किसी डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक रो में कोई फंक्शन दे रखे हैं, बाकी सब कांस्टेंट दे रखे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक रो या एक कॉलम में एफ एक्स की वैल्यूज, एक्स में वेरिएबल दे रखे हैं, बाकी सब कांस्टेंट दे रखे हैं, तो नॉर्मली उस कॉलम का डेरिवेटिव कर दीजिए, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, नोटेड, इंटीग्रेशन। देखिए अब आप देखिए, मैं तीनों में दिया है, सिर्फ एक ही रो में फंक्शन है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, ओनली वन रो, चाहे आपको डिफरेंशिएशन करना है चाहे आपको इंटीग्रेशन करना है, अगर एक रो के पास फंक्शंस हैं बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो आप उस रो को या उस कॉलम को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाकी एज इट इज पड़े रहेंगे। देखो आपने देखा ना, डेल्टा डैश फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सिर्फ इन फंक्शंस का डेरिवेटिव हुआ, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो। क्लियर? यस मैम,
इंटीग्रेशन के लिए भी सेम रूल है भाई, अगर एक से ज्यादा रोज या एक से ज्यादा कॉलम्स कंटेन करते हैं तो मुझे सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, फिर अपने फंक्शन का, फिर अपने डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल देने, ठीक है जी। अगर एक से ज्यादा, अब इस क्वेश्चन में क्या है आप ध्यान से देखो, एक ही रो के पास है तो उसको ही कर देंगे। हाँ, कितना आ जाएगा, पहली रो का एक बार करा तो मेरे पास बनेगा 3x² cos x माइनस साइन x, ये पहला डेरिवेटिव। इसका दूसरा डेरिवेटिव कितना आएगा, 6x माइनस साइन x माइनस cos x, ला 6 माइनस cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब इन्होंने बोला x को जीरो पुट कर दो, यानी कि फाइनल मेरे पास बनेगा 6 माइनस 1 0 p² p³। भाई दो रोज आइडेंटिकल है तो इसका जीरो बनेगा। यस मैम। अगर जीरो बन गया तो आंसर क्या आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ p आ गया बच्चों। यस मैम। सबको बात क्लियर है? यस मैम। अब इंटीग्रेशन में भी मैंने यही रूल बताया आपको, फर्स्ट फंक्शन को अगर एक रो में है, ओनली इन वन रो, तो आपको करना है, अदरवाइज पहले इवेलुएट करना है, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, 0 से π/2, एक ही फंक्शन के पास है x, बाकी किसी के पास नहीं है, एक ही रो के पास है। यस मैम। इस पे लगा दीजिए 0 से π/2 का फंक्शन, और आपको पता है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, साइन स्क्वायर x क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। यस मैम। है ना, माइनस x पुट करने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उस पे सॉल्व करिए और अपने सारे डेफिनेट के प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर दीजिए, क्लियर है? यस मैम। अब प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, बच्चों के मन में ना एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही दो डिटर्मिनेंट करते हैं, आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, लेकिन आपको पता था कि मैट्रिक्स में तो पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करते थे, राइट? यस मैम। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पहली रो को पहली रो से, फिर दूसरी रो से, फिर तीसरी रो से, फिर दूसरी रो को पहली रो से, इस तरह से चलते हैं। इसको वैलिडेट करने के लिए आप दो डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए, दोनों तरीकों से करके देखिए और एक इवैल्यूएशन से कर लीजिए, देखिए आंसर कब मैच करते हैं, ठीक है छोटे? क्या बात समझ आ गई, फिर से बोलो। रो वन पहले मैट्रिक्स की, फिर रो टू, रो वन रो टू, ये आर वन आर वन है, ये आर वन आर टू है, ये आर वन आर थ्री है, आर टू आर वन है, ये आर टू आर थ्री, आर टू आर टू है, ये आर टू आर थ्री, क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो जैसे ये क्वेश्चन को करना था दो डिटर्मिनेंट, अगर आप इसको नॉर्मली जो आपको आता है इवेल्युएशन से तो बहुत टाइम लग जाता, करना चाहते तो कर भी लेते, लेकिन आपको पता है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, और सॉल्व होते होते सब काटा काटी हो जाएगा, क्लियर है? अगर किसी को इवेलुएट करना है तो वैसे भी चलेगा, नो इश्यूज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब मेरे पास कुछ ऐसे मैट्रिसेस आ गए जो आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे, अजीब अजीब से होते थे। अब ऐसे मैट्रिक्स की बात करेंगे जिनमें आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके पास आयोटा होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगे, राइट? अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लोगे तो मेथड सेम रहेगा कि आयोटा का साइन चेंज होगा। अगर उस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और उसको रिप्रेजेंट ए थीटा से या ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से करते हैं, ठीक? यस मैम। तो बच्चे अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ही ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से आई के बराबर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। नोटेड? यस मैम। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं, करके yes, ma'am. करके बताऊं ये हो जाएगा, बता दो।
देखो आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लीजिए, तो 1 iota 3 iota बनेगा, -iota 0 2 -iota -3 iota 2 + iota -1। अब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो बच्चे आपके पास कितना बनेगा, 1 - iota - 3 iota iota 0 2 + iota 3 iota 2 - iota -1। तो क्या ये आपका दिया हुआ मैट्रिक्स ए नहीं आ गया? तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। हाँ जी क्लियर बच्चा पार्टी? अगर यस मैम मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको स्क्यू हर्मिटियन बोलेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। तो यहां तक सानिया हमने कोई टॉपिक स्किप नहीं करा, पूरा का पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक एक चीज डिस्कस करिए, एग्री करते हैं सब लोग? यस मैम। है ना, तो भाई यहां से अब हमारे पास है टोटल 20 मिनट, मान के चले तो 20 मिनट है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिखा रही हूँ जो आप लोगों को अभी फटाफट मुझे ये बताना है कि मैम मैं इसमें क्या अप्रोच लगाऊंगी अगर ये मेरे को जेई में दिख जाए। ठीक है, रेडी? पहला क्वेश्चन, ये सब पी वाई क्यूज है, आपको सिर्फ एक लुक देखना है फिर बताना है जी, अगर कोई इतनी स्पीडीली सॉल्व भी कर सकता है तो चलेगा। ये मुझे ये दे रखा है कि ये जो ए है, ए बराबर 1 2 0 3 है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, और 3 ए का डिटरमिनेंट 108 के बराबर है। आपको बताना है ए स्केयर की वैल्यू कितनी होगी। नोटेड, दे दूं 2-3 मिनट? दे दो मैम। ठीक है, हाँ जी गर्ल सोचो। नहीं पता क्या होगा, आप लोग इसमें लगा रहे होंगे शॉर्टकट। भाई ए को कोई मैट्रिक्स मान लो, अब ना यहाँ पे मैंने भी गड़बड़ की, ये ए इंटू ही था कि ए इंटू एक स्केलर है, तो भाई
ए को मल्टीप्लाई करा स्केलर मैट्रिक्स से और आपके पास एक स्केलर बन गया। अगर ये स्केलर है तो आपको एक चीज पता चल गई होगी ना कि के 0 0 के बराबर होगा। यस मैम। तो इसका मतलब मुझे ये भी 0 है और सी भी 0। अगर सी 0 है और ये वैल्यू दे रखी है, अब ए डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। ए डिटर्मिनेंट अगर आप सोचोगे तो 3 का स्केयर बाहर निकलेगा, डिटर्मिनेंट से 3 बाहर निकलेगा ना, तो आपके पास बन गया 12। 12 जाने के ए डी माइनस बी सी, और सी आपने निकाल रखा है 0 है। सी 0 करते ए डी 12 के बराबर आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करी ए की 3D के बराबर, तो 9D स्केयर। तो यहाँ से बचे डी स्केयर की वैल्यू 4 आ गई। डी स्केयर 4 आते ही आप बाकी की यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास ए भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। सारी वैल्यूज निकाली और फाइनली आपके पास ए स्केयर की वैल्यू आ गई। क्लियर है? बोलिए, क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है सबको? हाँ जी। यस मैम। अगला मैम वो पढ़ाना 22 था। क्या मल्टीप्लाई था? इक्वल्स टू नहीं था, मेरी मिस्टेक है। ए जेई मेन 2022 में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, आपके पास आया ए और बी, आपको निकालना था ए ट्रांसपोज बी और ए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, क्या कहते हो? सिंपली ए ट्रांसपोज बी और ए से मल्टीप्लाई करना था नॉर्मल। अब ये देखो, ये मैट्रिक्स है। अब आपको ये देख के पता चला कि ये डिटर्मिनेंट है और तीनों में फंक्शन है। बच्चों तीनों में फंक्शन है ना, सारी रोज में फंक्शन है। यस मैम। तो एक वो सीधा इंटीग्रेशन नहीं चलेगा, इसके लिए मुझे क्या करना होता है, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। तो यस मैम। भाई मैंने पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करा, डिटर्मिनेंट आ गया 2 के बराबर और इसका डेरिवेटिव आपने देख लिया, आ गया 0। ठीक, आपने इसमें पुट करा और सिंपली बहुत ही आसान आंसर आ गया। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? टीना, जिया, दीपिका, मुस्कान, आंचल, सकीना, सीमा। अब यस मैम। देखो अगला भाई, ये एनटी। अब ये क्वेश्चन तो बता दो फटाफट, क्या करोगे? कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है? बता दीजिए कैसे करेंगे, क्या है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, जाने की क्या कर दूं बच्चों, डी 0 कर दूं। डी 0 करने से लैम्डा आ जाएगा। जागो, डी 0 करने से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा 1 निकाल, लैम्डा 1, डेल्टा 1 भी 0 कर लो, डेल्टा 2 भी 0 कर लो, डेल्टा 3 भी 0 कर लो, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर दूं लैम 6 10 और म्यू से। मुझे 1 और 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हो? सही बोली बात? ये 2023 का क्वेश्चन। और याद है भाई, ये क्वेश्चन हमने वैसे भी प्रैक्टिस करा था। सोचो, जिन्होंने क्लासेस लगाई थी दोपहर में, उन्होंने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन बड़े बनते हैं। ये क्वेश्चन लगातार 3 साल से आ रहा है, पता है? सिमिलर क्वेश्चन। और इस बार भी 3 4 शिफ्ट में था ये क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मैं हेल्प करूं? यस मैम। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लोगे, निकाल लो। यस मैम। ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाला, बी का स्केयर निकाला, क्योंकि बी भी गिवन है, बी का क्यूब निकाला। इसका मतलब बी की पावर 2023 की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आनी चाहिए। यस मैम। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है एम जो है, तो एम स्क्वायर एम क्यूब, जब आपने एम 2023 लिखा तो आपको पता चला कि भाई ये जब ऐसा लिखने चलेंगे ना, देखो
एम स्केयर को सॉल्व करा तो ए ट्रांसपोज बी स्केयर आया, एम क्यूब को करा तो ए ट्रांसपोज बी क्यूब आया, तो इसका मतलब जब 23 को करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी की पावर 23 ए आ जाएगा बच्चों, हमेशा ऐसी सिमेट्री बनती होती है। अब आपने इसके आगे पीछे क्या कर दिया, ट्रांसपोज हो रहे, ये आपको पता है किसके बराबर आए थे अभी आपने निकाले, ए इंटू ए ट्रांसपोज पीछे निकाल के आया, आई के बराबर आया, ये आई हो गया, बस इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आप निकाल के बैठे हो, ये क्वेश्चन था, क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, एक ज्वाइंट ऑफ एक ज्वाइंट एक इसके बराबर होता है, ज्वाइंट ऑफ एनी बच्चे एक ज्वाइंट ऑफ एक ज्वाइंट एक इसके बराबर होता है, किसको याद है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था, ए डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस टू इनटू ए, यस मैम, है ना। अब एन जो है यहाँ पे ऑर्डर है, यानी कि थ्री माइनस टू, तो ये सिर्फ और सिर्फ ए डिटरमिनेंट इनटू ए के बराबर हो गया, यस मैम। क्वेश्चन बोल रहा है ए भी मल्टीप्लाई करना है, तो ए मल्टीप्लाई करा तो ए स्केयर आ गया, यानी कि मुझे ट्रेस किसका निकालना है, ए डिटरमिनेंट ए स्केयर का निकालना है, यस यस मैम, बहुत सॉर्टेड हो गया। अब ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ए स्केयर निकाल लो, और ए डिटरमिनेंट तो बाहर ही आ जाएगा, ए स्केयर के जो डायगोनल एलिमेंट्स उनको ऐड कर देना, क्लियर? यस मैम। ए डिटरमिनेंट निकाल लोगे, ए स्केयर निकाला, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया और माइनस 28 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? यस मैम। अब देखो ये 2019 में आया था, बी पॉजिटिव होना चाहिए, और आपको जो क्वेश्चन दिया है कि भाई ए मैट्रिक्स है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसके डिटरमिनेंट बाय बी की, मैं हेल्प कर देती हूँ, ए डिटरमिनेंट निकाल लोगे, यस मैम, ए डिटरमिनेंट बाय बी यानी कि बी प्लस बी बाय थ्री आ गया, थोड़ा होल स्केयर में कन्वर्ट कर लेते होते हैं तो होल स्केयर को छोड़ देते तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, टू रूट थ्री होगी ना, यस मैम। जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम होल स्केयर में ही कन्वर्ट करते हैं ना अपने क्वेश्चन को, यस मैम, ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये कुछ आपके इसके क्वेश्चंस थे, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नो मैम। सबको यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग चला कि भाई कैसे कैसे, तो क्या क्या कंसेप्ट लर्न करे, क्या क्या सीखा पता चला? यस मैम। है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन पता चली सारे क्वेश्चंस में कि किस क्वेश्चन आएगा, मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना है, मुझे कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना है अपनी मर्जी से, मुझे सोचना होगा वहां पे दो मिनट के लिए भी क्या लगाना है, राइट? यस मैम। तो क्या आप डिटर्मिनेंट में लिटिल बिट कॉन्फिडेंट आया, क्योंकि बाकी का कॉन्फिडेंस तो सेल्फ प्रैक्टिस से आएगा, सिंपल सी बात है, मैं जितना भी करा लूं आपको तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक खुद से 10-12 क्वेश्चन लगा के नहीं देखोगे, यस मैम, है ना। तो क्या करो, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाओ, लेकिन अपने तरीके से लगाओ और सोचो कि क्या मेरे को शॉर्टकट रिकॉल हो रहा है कि मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है जी? तो होमवर्क भी यही है कि 2023 के मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के पीवाई की उठा लीजिए, और आपने देखा कि कितने ज्यादा पीवाई क्यूज है, 30-35 हैं, उठा लो और सॉल्व कर दो, खत्म करो बात, आज ही लगा लो, क्या कहते हो?
सही बात बोली ना? यस मैम, यस मैम। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज फिनिश्ड। अगले वाली क्लास में, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स चलेंगे, आज रात वाली एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, और कल मैंने आपको बता दिया कि हम लोग बाइनोमियल करेंगे। तो डोंट मिस क्लासेस, कल तक इस वीक में 3 चैप्टर्स हो जाएंगे कल की क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, तो हैव योर डिनर, तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है जी? ओके मैम, देन बाय, गुड इवनिंग, बाय, गुड इवनिंग।